हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इंग्लैंड में भारतीय टीम के अनुभवी स्पिनर आर अश्विन की जिस तरह से देखिए अनदेखी की गई है, वो किसी से छुपा नहीं है। इंग्लैंड के साथ साथ भारतीय टीम अब तक 4 मैच खेल चुकी है, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने अश्विन को एक भी मैच में मौका नहीं दिया। हर एक मैच के अश्विन को टीम में शामिल किए जाने की मांग उठती रही, लेकिन अश्विन को 5 मैचों की सीरीज में हो चुके 4 मैचों में मौका नहीं मिला। कप्तान विराट कोहली ने अश्विन की जगह जडेजा को तरजीह दी और इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने अश्विन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गावस्कर ने कहा है कि भाई मौजूदा इंग्लैंड दौरा अश्विन के लिए आखिरी होगा। गावस्कर ने बकायदा ये भी कहा कि भाई इंग्लैंड का ये दौरा रवि अश्विन के लिए इंग्लैंड का आखिरी दौरा हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम का अगला इंग्लिश दौरा साल 2024 या फिर 25 में होगा। तो देखिए, गावस्कर का ये मानना है कि अश्विन उस समय तक रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए ना, जडेजा शुरुआत के 2 मैच में विकेट तक नहीं निकाल पाए, लेकिन उसके बाद भी कप्तान विराट कोहली ने जडेजा पर भरोसा बनाए रखा। तो वहीं ओवल टेस्ट से पहले अश्विन के टीम में शामिल होने की बात की जा रही थी, लेकिन चौथे टेस्ट में भी अश्विन को मौका नहीं मिला। तो अश्विन को मौका नहीं देने के बारे में विराट कोहली ने बात करते हुए कहा कि भाई हमने अश्विन के बारे में ज़रूर सोचा, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों में तेज गेंदबाज को मौका देने का दबाव हमेशा रहता है और यहाँ जडेजा की भूमिका ज़्यादा रहेगी। जडेजा हर मैच में काफ़ी अधिक बॉलिंग करेंगे क्योंकि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल रहेंगी। तो विराट कोहली ने चौथे टेस्ट मैच से टीम में बदलाव किया था। उन्होंने ईशांत शर्मा की जगह शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी की जगह टीम में उमेश यादव को शामिल किया था। शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव, देखिए दोनों ने ही टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया था और भारतीय टीम को जीत भी दिलाई। हालांकि देखिए, अब देखना ये होगा कि भाई विराट 5वें टेस्ट मैच में अश्विन को मौका देते हैं या नहीं।